हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेयर विथ स्टेप कट के ऊपर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कटिंग विथ सेटिंग बताने वाली हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो क्लिक किए हैं तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आगे मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको हेयर कटिंग विथ सेटिंग बताने वाली हूं। सो कटिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। एंड मैं बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर कटिंग की वीडियो आगे भी शेयर करूंगी। सो बिफोर एंड आफ्टर इनका लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा हेयर था। हेयर की ग्रोथ है जो काफ़ी अच्छी थी। इनकी बेबी हेयर है। इस हेयर पर जो भी कटिंग हम करेंगे काफ़ी अच्छा निखर के आएगा। सो इनकी लेंथ थोड़ी और थी, मैं वन लेंथ कर चुकी हूँ, सो इसलिए इनकी लेंथ थोड़ी कम है। एंड मैं इस लेंथ पे भी फिनिशिंग दूंगी, जो कि आप लोग के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि डिटेल में आप दिखाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि मैं शॉर्टकट में कर लेती हूँ समय कम लगने के कारण। सो सबसे पहले मैं वन लेंथ कर रही हूँ। इनकी हेयर ऑयल फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से कटिंग हो जाएगी। सो इसलिए मैं नॉर्मल वाटर से हेयर को गीले की हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इसे मैं वन लेंथ कर ली हूँ। सबसे फर्स्ट में हमारा जो हेयर कटिंग का स्टेप होता है वो वन लेंथ होता है, जिसे आप बराबर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल इक्वल कट। उसके बाद हम यहाँ से स्टेप स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेप एरिया से हेयर कटिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लेयर देते हैं। आप देख सकते हैं 3 से 4 इंच तक की लेयर हमारी आ चुकी है। इनकी हेयर काफ़ी ज़्यादा थिक है। हेयर ग्रोथ अच्छी होने के कारण इनके हेयर पे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस स्टेप आया है। एंड मैं इस हेयर पे नोजिंग भी बहुत ज़्यादा की हूँ, जो कि आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा घने हेयर पे हम किस तरीके से स्टेप देते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मैं हेयर कटिंग की वीडियो ज़्यादातर शूट करती हूँ, ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले एंड घर बैठे आप हेयर कटिंग सीख सकते हैं। कुछ कमेंट ऐसा भी था कि दीदी बहुत ही आप इजी में बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और आपकी वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखी। सो हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप इस तरीके से वीडियो से सीखते हैं, आपको बहुत ही आसानी होती होगी, कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ता होगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिए, आप इजीली सीख सकते हैं। सो देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लेयर आया है। एक साइड की हमारी बैक वाले सेक्शन कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड वाले को करूंगी, जो कि नीचे वाले हमारे गाइडलाइन है उसको मिक्स करूंगी और साथ में कट करूंगी। जैसे ही हमारा शॉर्ट हेयर मिल जाता है उसके साथ ही मैं हेयर को कट करूंगी। इसीलिए गाइडलाइन को मिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप कहीं से भी हेयर को कट करेंगे सो कभी भी हेयर कटिंग ख़राब हो सकती है। जितनी आसान ये दिखती है उतनी आसान नहीं है। अगर आप सीखते हैं वीडियो से तो आप प्रैक्टिस जरूर करते होंगे, आपकी मेहनत से आप सीख सकते हैं। दोनों साइड हमारा इक्वल लेयर आया है, जो कि आप देख सकते हैं इक्वल हेयर कटिंग हुआ है, जो कि कभी भी इधर उधर नहीं होती है हमारी हेयर कटिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मेहनत करती हूँ, जो कि आपको वीडियो में दिखता भी होगा और ईजी वे में बताती भी हूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। सो एयर टू एयर वाले सेक्शन अब हम फ्रंट से कट करेंगे, जो कि सबसे फर्स्ट में हम लेयर दे देंगे इसके ऊपर। थोड़े से हमने गाइडलाइन को भी मिक्स किए हैं और अच्छे से कॉम करेंगे। टैंगल फ्री हेयर को तो मैं पहले ही कर ली थी, बट फिर भी इसे अच्छे से कॉम करेंगे, ताकि कहीं से भी हेयर इधर उधर ना रहे। गाइडलाइन हमें मिला, इसको मैं कट करूँगी। बिल्कुल इक्वल कट करना है, जैसे कि हमारा फिंगर जो होता है बिल्कुल तिरछी मैं पकड़ती हूँ, इसलिए इसे भी इक्वल कट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट ऊपर ले जाकर कट करेंगे। इनकी हेयर काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हमें कटिंग करने में भी अच्छा लग रहा था, ताकि थिकनेस के हिसाब से अगर आप स्टेप लेते हैं तो बहुत ही प्यारा स्टेप आता है। साइड से भी कितनी अच्छी हेयर कटिंग हुई है। फिनिशिंग के समय हम लेयर भी देते हैं इसके ऊपर, जो नोजिंग बोलते हैं इसे नोजिंग देते हैं। नोजिंग देने से होता क्या है कि आप अगर नीचे से इक्वल दिख रहा है तो बहुत कम लेयर दिखेगा, इसे आप नोजिंग देंगे तो अच्छा खासा लेयर दिखेगा, जो कि ये बिल्कुल फ्रेश लगेगा देखने में और काफ़ी दिन तक हेयर कटिंग दिखेगा। दोनों साइड हम इक्वल कट करेंगे, जो कि
जैसे हम एक साइड किए हैं वैसे ही दोनों साइड करेंगे, गाइडलाइन को मिक्स करेंगे, गाइडलाइन जहाँ पे हमें मिलता है वहाँ पे हम कट करेंगे। कॉम अच्छे से करें, ग्रीप अच्छे से बनाएं और जैसे ही गाइडलाइन मिलती है उसी के साथ हेयर को मर्ज करें। विदाउट नोजिंग इस पे लेयर नहीं आ रही है, इसको मैं जस्ट ऊपर ले जाकर कट करूंगी, उसके बाद इसमें काफ़ी सारा लेयर दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे वीडियो को खूब सारा सपोर्ट करें। मैं आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर कटिंग की वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि कितना सारा हेयर कटिंग का नाम होता है, आप प्लीज़ बताइए। सो मैं आपको कटिंग के साथ साथ ही बता देती हूँ कि हम कौन सा हेयर कटिंग किए हैं और कौन सा हेयर कटिंग अभी ट्रेंड में चला हुआ है। सो फाइनली हमारा हेयर कटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको ब्लू ड्राई करूँगी, जो कि आपकी ही मांग होती है कि दीदी आप साथ में ब्लू ड्राई भी करिए, किस तरीके से करते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है आप नॉर्मल रखें, ना ही ज़्यादा हॉट ना कूल, एंड आप बराबर रख सकते हैं इसे। जिस तरीके से हेयर होती है, हेयर में मॉइस्चर होती है, इसी तरीके से हम टेम्परेचर रखते हैं। एंड दो रोलर ब्रश रखिए एंड एक प्रोफेशनल ब्लू ड्रायर होनी चाहिए। एंड अच्छे तरीके से चारों तरफ, हेयर के चारों तरफ आप हीट दें और उसके बाद इन कर्ल करें फिर आउट कर्ल। यही सारा प्रोसेस, सेम प्रोसेस हमारा पूरे हेयर पर चलेगा। एंड मैं अच्छे से ब्लू ड्रायर कर लेती हूँ। कुछ कमेंट ये भी था कि दीदी आप पार्लर टूर कराइए, तो पार्लर टूर मैं ज़रूर कराऊंगी, कुछ इशू नहीं है, बट वीडियो शूट नहीं की हूँ इसलिए नहीं पोस्ट कर रही हूँ। छोटे छोटे सेक्शन हम लेते जाएंगे एंड इसी तरीके से मैं हेयर पे क्लिप लगा दिए हैं, जो कि वो थोड़ी देर हेयर को होल्ड करेगा। रोलर ब्रश और भी है हमारे पास, बट ये दो रोलर ब्रश एक साइज की है इसलिए मैं यही दो रोलर ब्रश से काम करती हूँ। कुछ कटिंग ऐसा भी होता है कि जिसपे एकदम मिनिमम शॉर्ट वाला लेयर दिखाना होता है, उसको मैं सारे रोलर ब्रश को यूज करती हूँ। हेयर के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी हेयर काफ़ी अच्छी है, प्लस मॉइस्चर भी है, हेयर थिकनेस भी है। सो इस पर हम एक साइज का लेयर देंगे, जो कि हम फिक्स करते समय भी उसी तरीके से करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि ये होल्ड कितने समय तक करता है, तो होल्ड आप 1 वीक तक कर सकता है। जब तक आप फर्स्ट हेयर वॉश नहीं करेंगे तब तक ये हेयर होल्ड करेगा। कॉम के साथ हेयर को फिक्स करके छोड़ देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, हमें समय भी कम लगती है। एंड कॉम की जो हीट होती है वो बालों के ऊपर अच्छे से प्रोटेक्ट करती है और इस हेयर को कर्ल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, जितनी सपोर्ट आप एक वीडियो पे किए हैं, कुछ दिन में उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दें, उसी तरीके से आप सारे वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। सारे वीडियो बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर कटिंग की अपलोड की हुई है। जो भी वीडियो हम हेयर कटिंग की किए हैं, जैसे एक वीडियो पे आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, सो वैसे ही सारे वीडियो को आप क्लिक करके देखें। आप मेरे चैनल को खोल कर देख लें कि किस तरीके से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करें, खूब सारा शेयर करें। आपको कौन सा हेयर कटिंग सीखना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये रहा हमारा फाइनल ब्लू ड्रायर का प्रोसेस। अब हमारा सारा क्लिप हम खोल देंगे और बैक वाले सेक्शन को ही हम खोल के दिखाएंगे कितनी प्यारी हेयर कटिंग हुई है। कटिंग विद सेटिंग अगर आपको दोनों एक ही वीडियो में सीखने को मिलता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। समय भी बहुत कम लेते हैं हम, 10 मिनट कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं, जब भी आपके पास समय होता है तभी आप इस वीडियो को खोल कर देख लें और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करें। सो फाइनल लुक हमारा ये था हेयर कटिंग विथ सेटिंग का। काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग हुआ था। एंड ये नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं कि मशीन से सेट करने के बाद ये कुछ दिन तक रहता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो ये सही है, बट नॉर्मल हेयर को सेट होने में 1 वीक से 10 दिन तक भी लग सकता है।
नॉर्मल हेयर कटिंग को सेट होने में, और इनकी हेयर इतनी अच्छी है ये विदाउट सेटिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो बेबी हेयर हैं इसे आप स्ट्रेट में ही बोल सकते हैं, इस पर जो भी हेयर कटिंग हम देंगे काफ़ी प्यारा आएगा। बट इनके लेंथ भी हम कम नहीं किए हैं और कटिंग भी बहुत ही प्यारा आया था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, खूब सारा शेयर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।